दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मूवी थ्रिल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन टॉप 6 सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज लेकर आए हैं। ये सभी मूवीज आपको अंत तक हिलने नहीं देंगी। इन सभी मूवीज में बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मूवीज़ खोज कर ला सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 6 पे जो मूवी है वो है बाजीगर। ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 75% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है शाहरुख खान, काजोल के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें एक निर्दयी हत्यारा बदला लेने के लिए एक व्यापारी की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उसकी हत्या कर देता है और उसे एक आत्महत्या का रूप देता है। इसके बाद वह उसके परिवार के बाकी लोगों को खत्म करने की साजिश करता है। आगे क्या वो बाकी लोगों को खत्म कर पाएगा या फिर नहीं, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी अच्छी है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 5 पे जो मूवी है वो है चेहरे। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 46% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें परिस्थितियां तब गंभीर होती हैं जब समीर मेहरा रहस्यमय निवासियों के साथ एक घर में शरण लेता है जिनके इरादे कुछ सही नहीं होते हैं। आगे क्या क्या होता है मूवी में, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 4 पे जो मूवी है वो है तलाश। ये एक सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 82% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है आमिर खान, करीना कपूर के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें इंस्पेक्टर शेखावत और उसकी पत्नी अपने बेटे की मौत से बहुत ही दुखी होते हैं और उसकी पत्नी अपने दुख से लड़ने के लिए संघर्ष करती है और वह एक अभिनेता की रहस्यमय हत्या को सुलझाने में खुद को व्यस्त रखता है। आगे क्या होता है मूवी में, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 3 पे जो मूवी है वो है इत्तेफाक। ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 80% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें एक पुलिस अधिकारी देव दोहरी हत्या के मामले की इन्वेस्टिगेशन करता है जिसमें विक्रम और माया नाम के दो गवाह हैं और दोनों ही प्रमुख संदिग्ध हैं। सच्चाई जानने के लिए वह अधिकारी उनसे पूछताछ शुरू करता है। आगे क्या होता है मूवी में, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही अच्छी है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 2 पे जो मूवी है वो है 3। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 64% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें जॉन विश्वास एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है जो एक पुजारी और एक पुलिस अधिकारी द्वारा कुछ लोगों को खोजने में मदद करता है जिन्होंने उसकी पोती का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। आगे वो किस तरह से उन हत्यारों को पकड़ता है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 1 पे जो मूवी है वो है राइट या रॉन्ग। ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 85% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है सनी देओल, इरफान खान के साथ में और भी कई सारे स्टार।
बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें एक ईमानदार पुलिस अजय अपने मामले के दौरान एक हमले का सामना करने के बाद अपाहिज हो जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब उसका दुर्भाग्य उसके लिए सहानुभूति लाता है, जिससे वह अपनी विश्वासघाती पत्नी को छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करता है। आगे क्या होता है मूवी में जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जबरदस्त मूवीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।